नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिया दत्ता हाजिर हूँ आज एक नया टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्टैमरिंग। हिंदी में जिसे हम लोग हगलाना या तोतलाना कहते हैं। वैसे हगलाना और तोतलाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, बट फिर भी इन दोनों कंडीशंस को इंग्लिश में स्टैमरिंग के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे जब हगलाते हैं या तोतलाते हैं तब हमें सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है उसकी आवाज़ को, और हम लोग उस बच्चे को रिपीट भी करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन वही हगलाना या तोतलाना अगर आगे भी कंटिन्यू रहा, बच्चे का स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ शुरू हो चुका है, तब भी अगर ठीक ना हो तब ये एक सीरियस इशू बन जाता है। तब उस बच्चे के माता पिता को उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों स्टैमरिंग के अगर बेस्ट इलाज अगर किसी पैथी में है तो वो है होम्योपैथी। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर किसी भी डिजीज की कोई भी मेडिसिन फिक्स नहीं होती है। हर केस में हर पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी डॉक्टर केस टेकिंग करके डिस्कस करके डिसाइड करता है। वो आपके लिए सबसे बेस्ट वर्क करती है दोस्तों। तो बेस्ट हमेशा ये होता है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाए, उनसे डिस्कस करें, उनकी चेंबर विजिट करें, और वो जो दवा रिकमेंड करता है वो दवा आपके लिए बेस्ट वर्क करता है दोस्तों। अब बात करते हैं होम्योपैथी दवाओं के विषय में। तो दोस्तों स्टैमरिंग के लिए कई सारी अच्छी दवाएं होम्योपैथी में प्रेजेंट है, जैसे कि स्टेमोनियम, हाइसोमस, बॉबिस्टा, लैकसिस, स्टेफेसिक्रिया, और भी कई सारी अच्छी अच्छी दवाएं प्रेजेंट है। बट मैं एक दवा पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूं, और 90% केसेस में मैं यही दवा से स्टार्ट करता हूं ट्रीटमेंट, जिसका नाम है लाइकोपोडियम। दोस्तों मैं काफ़ी लोगों को स्टैमरिंग के लिए यही दवा पहले प्रीफर करता हूं, और काफ़ी लोगों को मैं ठीक भी किया हूं सिर्फ यही दवा की मदद से। दोस्तों अगर 15 साल की उम्र से छोटे बच्चे हैं तो उनको लाइकोपोडियम 30 चार बुन करके दिन में दो बार दीजिए, और अगर 15 साल से ज़्यादा है तो उनको लाइकोपोडियम 200 चार बुन करके हफ्ता में एक बार दीजिए। दोस्तों वैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक लाइकोपोडियम के लिए एक अलग सा वीडियो बना रखा हूँ, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो मत करना, कोई बात नहीं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।